नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्रजेंद्र ज्ञान एक्सप्रेस में। दोस्तों आज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मैं लेकर हाजिर हूं। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए सीधा हम आते हैं अपने प्रश्नों पर। देखिए पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008 की वैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। ठीक है, तो कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। अब देखा जाए तो अपने आप में ये एक अलग मैटर बन रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन है पंजाब, छत्तीसगढ़, असम, बिहार। तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जिसने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008 की वैधानिकता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी। अगला है, हाल ही में किस देश ने एशिया क्षेत्र में पहली बार ई पासपोर्ट सुविधा की शुरुआत की? ठीक है, तो अब देखिए किस क्षेत्र में? एशिया। ठीक, और कैसे सुविधा? ई पासपोर्ट सुविधा। ऑप्शन है भारत, बांग्लादेश, असम या श्रीलंका। तो इसका सही जवाब है भाई बांग्लादेश। ठीक, अगला है, अब देखिए यहाँ पे अगर बांग्लादेश की बात करें तो भाई आपको पता होगा बांग्लादेश की राजधानी ढाका होती है। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और आपको पता होगा 1906 में, ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना भी ढाका में ही हुई थी। और बांग्लादेश की मुद्रा की बात करें तो यहाँ की मुद्रा क्या है? टका है। ठीक, ये चीज़ें आपको पता होंगी। अगला है, भारतीय शूटर दिव्यांश सिंह ने मैटन कप 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में कौन सा पदक जीता? ऑप्शन है रजत, कांस्य, स्वर्ण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। ठीक, अब यहां पर इनका नाम इंपॉर्टेंट है, कौन सा पदक जीते हैं ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको बता दें भाई लोकतंत्र, ठीक है, तो यहां पर लोकतंत्र को आप जानते हैं कि डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, तो पता चला कि डेमोक्रेसी इंडेक्स दे दिया। ठीक है, तो यहां पर गलती नहीं होनी चाहिए, आपको ध्यान देना है, लोकतंत्र पूछे चाहे डेमोक्रेसी इंडेक्स पूछे, भारत का स्थान है 51। ओके, लोकतंत्र में भारत का स्थान 51। भारतीय बाल कल्याण परिषद ने राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए 12 राज्यों से कुल कितने बच्चों को चुना? ठीक है, तो यानी अब देखिए यहां पर आपका जो मेन पॉइंट आपका बन जाता है भाई राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए किसने चुना, तो भाई भारतीय बाल कल्याण परिषद ने चुना। कितने राज्यों से चुना गया बच्चों को? दोबारा राज्यों से चुना गया। अब कितने बच्चों को चुना गया ये हमें देखना है। ऑप्शन है 22, 30, 40 या फिर 12। तो इसका सही जवाब है 22 बच्चों को चुना गया है। अब नोट में देखिए आप, जिनमें से 10 लड़कियां हैं और लड़के कितने हैं? 12 हैं। ठीक, अब देखिए इसका वितरण कब हुआ था पुरस्कार का? तो ये हुआ था 26 जनवरी को। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, भारत वर्ष 2020 कहाँ शुरू हुआ? ठीक है, तो ये एक प्रोग्राम है, ठीक है, एक इवेंट मैनेज किया जा रहा है। कहाँ शुरू हुआ? कोलकाता, नई दिल्ली, गोवा या फिर असम? तो ये शुरू हुआ है कहाँ? नई दिल्ली में शुरू हुआ है। अब देखिए नई दिल्ली ऑप्शन नहीं रहता तो फिर आपका क्या मिल जाएगा? लाल किला मैदान। ठीक, नई दिल्ली में लाल किला मैदान में शुरू हुआ। अब कई बार थीम से क्वेश्चन आ जाते हैं, विषय पूछा जाता है, मैंने कई बार आपको बताया। तो इसका विषय, ठीक है, किसका? भारत वर्ष 2020, इसका विषय था एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसके साथ साथ और सेलिब्रेटिंग 150 ईयर्स ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, तो ये इसका थीम था। ठीक, ये भी आपको पता होना चाहिए। नाउ, देश में गणतंत्र दिवस मनाया गया, तो देखिए भाई क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि देश में किस नंबर का गणतंत्र दिवस मनाया गया? ठीक, रिपब्लिक डे। तो 70, 47, 71 या फिर 68वां। ठीक है, तो इसका सही जवाब है 71। ठीक है, तो ये जो है कि 71 नंबर का गणतंत्र दिवस मनाया गया। और आप सभी जानते हैं कि भाई 26 जनवरी 1950 को जो है कि संविधान लागू हुआ था ना, तो इसीलिए जो है कि ये आपका मनाया जाता है। अब देखिए यहां पर अगर हम बात कर ले भाई मुख्य अतिथि, ये इसका जिक्र मैंने पिछले वीडियो में भी किया है, तो ये ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो जी थे। ठीक है, तो ये ध्यान देना, ब्राजील के राष्ट्रपति, हालांकि इतना चर्चा का विषय बन गया है कि आप भूलेंगे ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नोट में मैंने लिख दिया 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। ठीक है, अब देखिए अगला है,
सब्जी के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य बना। तो देखिए हाल ही में सर्वे किया गया, उसमें यह देखा गया कि सब्जी के मामले में टॉप पे कौन सा राज्य है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा सब्जी उत्पादन करता है भाई पश्चिम बंगाल करता है, अगर इस समय की हम बात करें। ठीक है, तो यहां पर इसका सही जवाब क्या है, सब्जी के मामले में पश्चिम बंगाल नंबर एक पे है। अब उसके बाद अगर बात करें भाई फलों के इंडेक्स की बात करें थी कि फलों के उत्पादन में नंबर एक पर कौन सा राज्य है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो सबसे नंबर एक पर आंध्र प्रदेश है फलों के मामले में, सब्जी और फल का, दो ये ठीक है याद रखना। अब अगला प्रश्न है, इस वर्ष किस राज्य ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जीता, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार या फिर असम। ठीक है, तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड। ठीक है, यहाँ की संस्था को ही ये जो है कि पुरस्कार दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। अब अगर हम बात कर ले भाई, ये तो संस्था से रिलेटेड हो गया, स्टेट से रिलेटेड हो गया, अब व्यक्तिगत यानी किसी व्यक्ति की बात कर ले तो व्यक्तिगत श्रेणी में ये पुरस्कार मिला है कुमार मुन्नन सिंह जी को। ठीक है, तो ये पुरस्कार मिला है कौन सा, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ठीक, नाउ अगला प्रश्न, केरल के मीडिया पुरस्कार के लिए किसे चुना गया, ऑप्शन है एन राम, रवीश कुमार, अभिसार शर्मा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये पुरस्कार दिया गया है एन राम को दिया गया है, और ये द हिंदू ग्रुप के चेयरमैन है, कौन, एन राम। ठीक है, और ये मीडिया के क्षेत्र में दिया जाता है पुरस्कार, जैसा कि नाम ही है केरल का मीडिया पुरस्कार। ठीक है, अब देखिए केरल के सीएम की बात करें तो भाई पिना राय विजयन है, और राज्यपाल की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान जो है कि क्या नाम है केरल के राज्यपाल है। ठीक है, तो ये रहा आज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और आपको बता दें कि पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप लोग, मैंने कई बार बताया, हर बार मैं बता देता हूँ चूंकि हो सकता है कोई नए व्यूअर हो तो उनको ना पता हो, तो आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम पे जाइए। ठीक है, और वहाँ टेलीग्राम ऐप पे आप सर्च करिएगा ब्रजेंद्र ज्ञान एक्सप्रेस। ठीक है, तो वहाँ पे ब्रजेंद्र ज्ञान एक्सप्रेस नाम का ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ पे मैं ये पीडीएफ डाल दिया करता हूँ, आप जो है कि वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और मंथ कंप्लीट होगा तो उसके बाद फिर पूरे मंथ की पीडीएफ मैं एक साथ कन्वर्ट करके डाल दूंगा। ठीक है, तो ये भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।